उसका एक कूट अलग हुआ है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि कुछ हमारे ही जो साथ में लोग रहते थे उनको छोटे छोटे गांव से निकाल निकाल कर ले आए और उनको पौधों पर बैठाया और 30-30 साल और 35-35 साल वे लोग संगठनों में काम करा। कुछ विचारधाराओं में भिन्नता हुई होगी तो वे लोग संगठन से छोड़ कर गए हैं और उन्हें अपना एक अलग संगठन बनाया है। तो यहाँ पे संयुक्त मोर्चे में भी 550 किसान संगठन है। तो जो भी संगठन छोड़ के गया अपना संगठन उसने करा, इस संगठन से जो भी लोग छोड़ के जा रहे हैं भारतीय किसान यूनियन से, उन आदमियों का कोई संबंध नहीं है। वो जो जो भी होंगे हम परसों तक उसकी लिस्ट, करनाल में हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग है उसमें 7-8 स्टेट के लोग आ रहे हैं 18 तारीख में, वो हमने बुला रखी है मीटिंग और 18 तारीख में जो जो लोग भी होंगे हम उनकी पूरी लिस्ट जारी करेंगे। टिकैत साहब ये बताइए, उन्होंने दावा किया है जो टिकैत साहब थे महेंद्र सिंह टिकैत जी भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक मुख्य रूप से वही संगठन का नाम था, क्या वो भी दावा कर रहे हैं उनके पास उसका रजिस्ट्रेशन? देखो हमारा रजिस्ट्रेशन है भारतीय किसान यूनियन और हमारे बायलॉज में है राजनीतिक का मतलब है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और जिन लोगों को भी अलग जाना है वो भारतीय किसान यूनियन के आगे कोई न कोई चीज लगाएगा, जिसको लगानी है वो लगाकर भारतीय किसान यूनियन से अलग जा सकता है, वो सब उनका राइट है। कोई भी आदमी भारतीय किसान यूनियन नहीं लिख सकता, खाली किसी को जाना होगा तो उसके आगे कोई ना कोई चीज लगा कर जाएगा और वो जाए अपना नया रजिस्ट्रेशन करवाए जाए। तो ऐसे में तो फिर आप लोग भी राजनीतिक नहीं लिख सकते क्योंकि उनके पास उसका रजिस्ट्रेशन है राजनीतिक। हम तो बताओ, हम तो है, हमारा जो संगठन का नाम है भारतीय किसान यूनियन है हमारा संगठन का नाम, जिसको कोई लिखना है वो लिख लो, ये हमारे बायलॉज में है। भारतीय किसान यूनियन है लेकिन आपका जो भी बैनर लगते थे भारतीय किसान यूनियन आगे राजनीतिक लिखा जाता था, अब वो राजनीतिक उन्होंने जाने वाले टाइम पे हमारा ये है कि वो बायलॉज में है, हमारे हमारे बायलॉज में है। क्या सब इतने पुराने पुराने लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्या कारण है? क्या पता भाई क्या कारण है, बताओ नाराजगी क्यों हो रही है? नाराजगी क्या पता, 13 महीने थी उन्होंने बिल का समर्थन करा, संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में जाते रहे, वहाँ पर लंगर भंडारे चलाते रहे, आज भी उनका बिल्कुल बढ़िया होता है। आपके बड़े नजदीक रहने वाले जो शख्स हैं जिन्होंने इसकी नींव रखी है उनका कहना है कि आप राजनीतिक हैं। चलो तो जो कह के गए अब उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, वे अपना चले गए अपने संगठन को चलाओ। विवाद की वजह क्या रही? हमें नहीं पता क्या विवाद है, विवाद की वजह तो आपने मनाने का प्रयास नहीं? हाँ गए थे, हम गए थे, हम गए थे, उनसे बातचीत हुई थी लेकिन हमें ये लगे कि किसी न किसी उसके अंडर प्रेशर से काम कर रहे हैं। नहीं, उनका कहना है कि जो आपने 13 महीने का करा कि आपका तो कद बहुत ऊंचा हुआ है लेकिन जो नीचे जो आपके हैं आपके जो कार्यकर्ता है उनका कद बिल्कुल घटा दिया आपने, उनकी कोई वो सुनवाई नहीं है। सबने वहाँ काम करा, सबने काम कराए वहाँ, सबने मेहनत करी, किसी के नहीं कहते किसी की मेहनत कम रही लेकिन ये है कि कोई न कोई अंडर प्रेशर उन पर प्रेशर पड़ा है और वे मजबूरी आरोप है कि आपने एक राजनीतिक दल के लिए काम, हमने किसी के लिए, हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, हमने किसी के लिए। टिकैत साहब इस चीज को स्पष्ट कर दें कि धर्मेंद्र मलिक क्या चुनाव लड़ना चाहते थे उसमें आपने विधान पैदा किया उनका आरोप है। तो हमारे तक कौन टिकट दे रहा, किसका हम टिकट मांग रहे थे, हमारा टिकट से कोई मतलब नहीं, कोई विचार अपना कोई कर रहा हो हमारे से कोई संबंध नहीं पॉलिटिकल, तो कई विवाद की वजह हुई तो नहीं हमें चुनाव लड़ना, वो तो आपको बताएगा भाई किसी को चुनाव लड़ना हो, चुनाव लड़ने वाले तो अर्जी तो देते थे यहाँ पे लेकिन हम किससे बात कर रहे हैं, हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी, हमारे पॉलिटिकल संबंध किससे, हमारे तो आंदोलन के संबंध है। संगठन में इतना बड़ा बिखराव आ गया, अब एकजुट करने के लिए क्या करेंगे? अरे ये तो भाई उसमें जो कर नदी मतलब रेत जावे ये तो जनता है भाई, फिर तैयार कर देंगे। ये आज लोग कुछ इतने संगठन बने हैं और भी बहुत संगठन बने हैं तो बनते रहेंगे, हमारा ये है कि जो जिनके विचारधारा नहीं मिले हमारे विचारधारा से सहमति नहीं हुई वे चले गए अपना काम करें। अच्छा ठीक है साहब, ये बताइए अब भारतीय किसान यूनियन के रूप में दो संगठन हो गए फिर दोबारा नहीं, यहाँ तो क्या नहीं आपको नहीं लगता कि ये खाप में भी बंटवारा दिखाई दे रहा है जहाँ मंच पर वहाँ गठवाला खाप के कोई बंटवारा नहीं, हम खाप के रूप में जाते ही नहीं, हम अगर अगर कंपटीशन खापों में कंपटीशन हो जाए तो और ज्यादा काम हो, हम तो चाहते हैं कि खापों में कंपटीशन हो तो ज्यादा काम, गठवाला खाप के मुंह के उस मंच पर क्यों थे? अरे ठीक से लगे ना भाई, कुछ कम से कम
अगर ज्ञान प्राप्त होकर वे आंदोलन में आ जाए तो हमको तो वो है कि वे आंदोलन का अगर हिस्सा बन जाए तो ठीक रहेगा, इस देश किसान का भला हो जाएगा, इसका पूरे प्रदेश का। अगर वे आंदोलन में आ जाए और वे आंदोलन मजबूती से लड़ रहे 87 की तरह तो हमको बहुत मजबूती मिलेगी इस किसान आंदोलन में। क्या उन्हें इतनी पावर है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मौजूदा थे उन्हें हटा सकते हैं? उनका अपना अलग संगठन बना, उस संगठन का हमारा क्या? नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि प्रेस में तो कुछ आरोप निकले, भाई भारतीय किसान यूनियन का संगठन है, उन्होंने अपना दूसरा बना दिया, उन्होंने अपने अध्यक्ष बना दिया। एक संगठन का आदमी रोज लगा रहा आरोप। नरेश टिकैत जी पर उनको बाहर निकालने की बात वहाँ की है, ये सब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल। जब किसी को जा भाई जिसे बहू घर में रह दो पेड़ी में साफ बताएगा बाहर भाग जा, लेकिन वे ठीक रहे 35 साल रहे, हम उनका कोई बोल सके वे किसी के प्रेशर में जा रहे हैं, वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था हमारे ऊपर प्रेशर है। अगर वो वापस आएंगे तो आप वापस लोगे फिर दोबारा उनको? इस सरकार को तो नहीं लगता कि वापसी होंगे। कुछ नसीहत तो अपने साथ ना, कोई नसीहत क्या सरकार के तरीके का प्रेशर उन पे हो सकता है? हो सकता नहीं है क्या साहब? 35 साल पुराने आपके साथ ही जा रहे हैं, लगनी है आपको ढिलाई है आपकी तरफ से? है जी, नहीं ढिलाई नहीं है, क्या पता किसकी क्या मजबूरी है भाई, किसी को पकड़ कर कैसे बैठा ले। उन्होंने आरोप लगाया करता है आदमी जेबड़े तोड़ कर भाग जाओ, आपका तो कोई प्रेशर नहीं है। नहीं, उन्होंने आरोप भी लगाया कि संगठन केवल एक ही परिवार का रह चुका है, कोई अध्यक्ष बहुत परिवार अलग अध्यक्ष क्यों अलग दूसरे परिवार के नहीं बन पाते? अरे बन रहे तो सारे परिवार चला दो, अब नया बढ़ेगा चला दो, उसको बढ़िया तरीके से चलाओ, जेल जाओ जो अध्यक्ष बना वो जेल जाए, काम करे अपना काम करना चाहिए। 550 किसान संगठन संयुक्त मोर्चे में सब अलग अलग विचारधारा के हैं, पंजाब में बहुत संगठन एक ही भारतीय किसान यूनियन से बने, वहां करीब 42 संगठन को लेकर क्या कहेंगे आगे? संगठन तो हमारा पूर्ण रूप से चल रहा है, हमने 18 तारीख की कार्यकारिणी की मीटिंग, हमारी प्रस्तावित मीटिंग हमारी करनाल में है, हम उसमें पूर्ण रूप से अपनी बात की रखी जाएगी, संगठन कैसे मजबूत होगा उसके बाद। नरेश टिकैत जी अध्यक्ष? अध्यक्ष तो यही भाई भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष है, और बायलॉज में हमारा पूर्ण रूप से है कि हम नॉन पॉलिटिकल है। ठीक है सब, आपके करीबी जितने तक थे वो आप करीबी गए भाई, ज्यादा करीब दुख है जी? हाँ दुख रहेगा, याद आवेंगे वे। क्या भविष्य में साथ मिलके काम कर सकते हैं? हाँ उनसे सुबह भी बात हुई थी, आज भी जब 12 बजे 11 बजे भी बात हुई उनसे। क्या कह रहे थे? वे कहते थे हमारी मजबूरी, अरे ये दूसरे जा रहे मैं तो आना चाहूँ, मतलब भाई आ जा। क्या सरकार चलो ये नहीं बताना चाहिए किससे हुई, आपके कहने के बाद वो फिर भी नहीं आए, क्या कहना चाहिए? ऐसी क्या मजबूरी बता रहे हो भाई? मजबूरी है किसी आदमी क्या पता भाई, सरकार बहुत बड़ी चीज हो, सरकार की मजबूरी जो भाई, हमने कहा कि ड्रावा आदमी जेब में तोड़ का भाग जा। एक बार फिर दोबारा उसी तरफ, कहीं ऐसा तो नहीं ये वाला किसान संगठन बालियान खाप के हिसाब से अब वो दूसरा गठवाला खाप के अनुसार? और यू तो चल जाए तो ज्यादा ही बढ़िया काम हो जा, ये जो सरकार अत्याचार कर रही है, अगर ये कंपटीशन में संगठन चल जाए तो ये किसानों का ही भला हो जा, अगर कंपटीशन में खड़े हो जा व्यापार तो ये संगठन ही चल जाए। तो खापों में बिखराव देखने को मिलेगा? कोई बिखराव नहीं खापों में। सरकार का आपका भी दबाव है क्या? ना हमारे पास कोई दबाव नहीं भाई, सरकार पर सरकार का दबाव है, जिसने कल वहाँ पे पैसे जमा करे सरकार के तो उन्हें किसने, और हमें तो देते नहीं है, वरना संस्थान अंदर का दे रहा है। और कुछ कहना चाहे? ना हमें कुछ नहीं कहना, हमें ये है कि भाई उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करें, अपना संगठन चलाओ, कंपटीशन में ज्यादा काम हो, अपना काम करो भाई। किसे कहूँ जो उनका 12 बजे में